इससे परेशान होकर आरती दीदी अगर आत्महत्या कर ले या उसके घर में कोई आत्महत्या कर ले तो इसका जिम्मेवार कौन हो। हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज जो है कि बातें करेंगे हम लोग वो प्रेमिक जोड़ा का जो कि 4 से 5 महीना पहले जो घटना हुई थी वो आप लोग जानते होंगे, आप लोग देखे होंगे, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। और 4 महीनों के बाद जो है कि वो भी अभी जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं तो आप लोगों को वो सब जो है पता होगा कि हम बात कर रहे हैं छोटू भाई और आरती बहन की। जैसे अभी जो है कि आरती दीदी जो थी उनका शादी छोटू भाई के बड़े भाई जो थे उनसे हुई है। और उस पर जो है कि अभी मीडिया वाले काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। और वो सब जितने भी फैमिली हैं वो सब जो है कि काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी चिंता में है। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद नहीं था, लेकिन उन लोगों की स्थिति और परिस्थिति को देख करके हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। और हम लोगों से अगर कुछ गलती होगा तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। मीडिया वाला जो है छोटू भाई के जो पिताजी थे उनके घर पे जाके इंटरव्यू जो होता है इंटरव्यू होता है। और मीडिया वाले ऐसे नहीं बन जाते हैं, उनको जो है कि बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है उनको। हम जैसे वीडियो में देखें कि उनसे जो है कि मारपीट भी हुई है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आज हम बताते हैं 4 महीना पहले जो है उनका बेटा जो था छोटू भाई उनका डेथ हो गया था। जिस वजह से डेथ हुआ था वो आप लोग जानते होंगे। अभी जो है शादी उदी उन लोगों का हो गया है तो उस तरह से इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। जो जिस सवाल पे होना चाहिए वो सवाल को लेकर के नहीं हुई। और जो लड़ाई हुआ है कुछ अलग अलग सवाल किए गए थे। उनके पिताजी जो थे छोटू भाई के उनसे काफ़ी बदतमीजी से मीडिया वाले जो है कि एक मैम है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। हम ये पूछते हैं कि आरती दीदी जो है वो कितना दिन तक ऐसे रह सकती है उनके घर में? उनको तो उनके घर में रहने के लिए कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। जब तक वो किसी रिलेशन में नहीं जुटेंगे तब तक आप किसी के घर में रह सकते हैं? तो उसी से जो है कि वो तो उनके घर में रहते थे। भले मानते हैं कि वो पहले बोले थे कि इनको हम बेटी बना के रखेंगे, मतलब बेटी जो शब्द है उस पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुई थी कि आप जो है कि इनको बोले थे कि आप बेटी बना के रखेंगे, आज अपने बेटे से शादी क्यों करा दिए? तो ऐसे अगर यदि मीडिया वाले जो बोलते हैं कि इनको बेटी बना के रखे तो बेटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो पैदा किए हैं सिर्फ वही बेटी होता है। बेटी का दूसरा रूप पुतहू भी होता है, हम लोग पुतहू बोलते हैं, तो पुतहू भी होता है। पुतहू को भी बेटी बोलते हैं ससुर और सास। तो उस वजह से नहीं होना चाहिए था। हम जो देखे क्वेश्चन जो था मीडिया वाला का वो कुछ अलग अलग, वो शादी कर लिए, मीडिया वाले को जो है कि ये सब नहीं बोलना चाहिए, आप जो है कि आप लोगों को साल नहीं लगा, आप लोग दोनों शादी कर लिए क्यों कर लिए? हम जो बोलते हैं देखिए कोई भी लड़की होती है ना तो उसको जो है कि एक सहारे का ज़रूरत होता है, वो आप लोग भी जानते होंगे अच्छी तरह से। क्योंकि अगर सहारा नहीं होगा तो अपने दुख सुख की बातें वो किससे बताएंगे? ये बात नहीं है कि सारी बातें पर्सनल जो बातें हैं वो अपने सास ससुर को ही बताएंगे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि वाइफ और हस्बैंड में शेयर होता है और जो कि वो किसी में शेयर नहीं हो सकता है। अगर यदि उस स्थिति में अगर वो सब शादी कर लेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। तो यही हम कहेंगे कि उन लोगों का जो है कि सपोर्ट कीजिए और जो है कि ऐसे विचार मन में लेके नहीं जाइए, क्योंकि वहाँ जाते हैं आप लोग हंगामा करते हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है, किस स्थिति किस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं अभी वो उनको अच्छी तरह से भली भांति पता होगा। आज बोलते हैं अगर यदि आरती दीदी है और छोटू भाई का जो बड़े भाई है जिससे शादी हुई है उसका नाम मोनू भैया, तो अगर बताते हैं अगर इतना अगर उन लोगों को डोज दे रहे हैं मीडिया वाले
खुदा ना खास्ता इससे परेशान होकर आरती दीदी अगर आत्महत्या कर ले या उसके घर में कोई आत्महत्या कर ले तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, आप लोग बताइए। आप लोग जो उनको टॉर्चर कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? आप लोग कहते थे जब छोटू भाई का हत्या हुई थी, आप लोग कहते थे कि आरती को इंसाफ मिलना चाहिए, वो तो आप लोग इंसाफ दिला नहीं पाए। जैसे तैसे भी लड़ रहे हैं, वो अपने से ही लड़ रहे हैं। 10 टो 5 टो मीडिया वाले उसके यहाँ डेली आता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं। आज तक कोई ऐसा प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये सब उनके घर पे नहीं गए हैं। और यूट्यूब पर सोशल मीडिया वाले जितने भी है, न्यूज वाले, वो सब उनके घर पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है कि उनके ऊपर अगर वीडियो बनाएंगे कुछ से कुछ बोल के, दबाव दे के उनके ऊपर अगर वीडियो बनाएंगे, काफ़ी अच्छा हम लोगों को व्यूज आएगा, हम लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे। इसी वजह से जो है कि मीडिया वाले उनके घर पर जाते हैं। शादी जो कराया उनका, ये थोड़ी ना है कि वो अपने से कर ली होगी, पूरा समाज संस्कृति के साथ किया होगा। तो दोस्तों, अगर इस पर अगर हम बातें करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा हमारा। और उन्हीं लोगों की स्थिति को देखकर ये हम वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, उन लोगों को उतना टॉर्चर नहीं कीजिए। जितने भी सोशल मीडिया पर न्यूज वाले हैं, आप लोग नहीं देखे होंगे कि किसी को गाली गलौज करते हुए, लेकिन बेवकूफ़ किसी को कह देना वो अपने पिता के समान व्यक्ति को, तो वो आपका जो है कि संस्कार बतलाता है कि आप किस संस्कार से, किस तरह से हैं। जो है कि जिस तरह से हमारा चैनल है, उस तरह से हम आप लोगों से बातें पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग अगर देख रहे हैं इस वीडियो को तो ऐसा मत कीजिए आप लोग। और हमारा मकसद ये नहीं है कि अगर आरती दीदी और जो है कि छोटू भाई पे जो ये वीडियो बना देंगे तो हमारा वीडियो वायरल हो जाएगा, वैसा नहीं है। अगर ऐसी हमारे दिमाग में सोच होती तो हम उनके घर पर जाते। क्या हम लोग उनके घर पर नहीं जा सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन वैसा हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या बताएं दोस्तों, यही आप लोगों से हमारा निवेदन था कि ऐसा मत कीजिए, बस कुछ पैसा के लिए, नहीं तो आगे चल के आप लोगों को परेशानी हो सकती है, जिसके वजह से उनके घर में समस्या आएगी तो उनको भी परेशानी हो सकती है, भले मीडिया वाला रहे और कोई सदस्य कोई रहे। चलिए, मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा और मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आप लोग हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अच्छा ख़राब जो है कि वो बताइए। हमसे अगर गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। और आप लोग हम इस तरह का अगर वीडियो देखना पसंद करते हैं, सामने में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो और आप लोगों को मिलता रहे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।